ओके, तो आफ्टर 60 सेकेंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडेज टेस्ट एंड जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन एक्यूरेसी. गलत आंसर पोस्ट मत करना एंड तुक्का नहीं मारना. दैट्स माई सजेशन बिकॉज कैट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी. फाइन, सो वी हैव 30 सेकेंड्स मोर. ओके, 20 मोर सेकेंड्स. आई थिंक ग्रुप में सर एक्टिविटी कम है ड्यू टू मी. मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो नहीं पाया था. एनीवे, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. ब्रिंग योर पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट. सो दिस वन इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू हैव, पहला क्वेश्चन है तो मोर टाइम, 150 सेकेंड्स टाइम. ट्राई टू सॉल्व.
आई एम सॉरी, थैंक्स आयुषी, आई होप ऑडियो होगा. तो इफ यू हैव द कोफिशिएंट्स अननोन, सॉल्व द क्वेश्चन एंड गेट द आंसर. अज्यूम इट इज 1-1 और एनीथिंग. इफ दे से वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अनदर, तो आई विल से आई अज्यूम 1 and 2 एंड गेट द आंसर. ओनली कंडीशन इफ कोफिशिएंट्स आर अननोन, यानी बहुत इजीली सॉल्व होता है. फाइन, आई होप नाउ ऑडियो इज देयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव 120 सेकंड में देता हूं. यू हैव 120 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट इज एन इजी क्वेश्चन, बट टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन. प्रमित, दैट इज फॉर द एबीसी, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा. सख्त लौंडा, थोड़ा सा सख्त हो जाइए मैथ्स को लेकर के भी. अ क्वेश्चन विच इज ट्रिक्ड फ्रॉम वन ऑफ द कैट. I'm just looking for the last unit digit. And if you think cat is not a speed game, तो आपको कुछ problem है. कुछ questions को आपको speed में solve करना होगा and बाकी questions में आपको time बचाने होंगे. Fine. So we have last. In this, what do we have? Answer is 6. Fine. Great. Answer is 6. You have 1 and 4. So the first term is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then we have 4. We have nothing but 5. We have nothing but 6. We have nothing but 7, but 8. Then we have 13. We have 14. Yahi hai. To isme karna kya hai? We have 4 cancel out. Everything is cancel out. Left one is nothing but 11 into 12 into only 13 and 12. So 11 into 12 into 13. Niche kya bacha hua? That is 2 into 3. This one is 6 ja. This one is 2 ja. So unit digit is nothing but 6. Simple sa calculation hai. Cat has almost the similar question. But unhone calculation pucha tha. This question is quite easy. So please aapko ye pata hona chahiye. Why I am giving you the time? आप बोल सकते हो कि सर कैट में तो टाइम होता ही नहीं है. कैट में टाइम नहीं होता है. वी हैव 1 hour एंड वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. बट इन द कैट यू हैव अ टाइम, अगर आप 99 एज्यूम कर रहे हो तो. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 180 सेकंड्स, 3 सेकंड का, 3 मिनट का क्वेश्चन है. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड यू हैव 180 सेकंड्स. कोई बात नहीं अनमोल, टाइम में सॉल्व कीजिए, बट सॉल्व कीजिए.
ग्रेट, सो वी हैव 2 मिनट्स एंड आप लोग पहले आंसर कर रहे हो. एंड दीज आर दी आई थिंक इन माई पर्सनल बिहाफ, मतलब मैं 2004 से कैट इंडस्ट्री में हूँ, इफ इट इज एन इंडस्ट्री दैन, तो 14 साल हो गए मुझको. सो अगर आप कैट इसी लेवल पे दिखना चाहिए, कोई टफ नहीं देगा आउट ऑफ 34 क्वेश्चन, इफ देयर आर 34 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस ड्यूएबल होंगे एंड जो आपको किसी भी एक ढंग के आयम्स में अपार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके जाएगा. बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने. सो यू हैव टू हैव सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस विद इन टाइम. यानी बहुत इजी क्वेश्चन है. नाउ आई एम मम. लास्ट 40 सेकेंड्स, बट आंसर्स आ चुके हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 1. इफ यू हैव एनी फंक्शन क्वेश्चन, तो प्लीज याद रखिएगा कैट में कभी भी फंक्शन टफ नहीं हुआ है, बिकॉज फंक्शन इज टफ इन द ITG. कैट में फंक्शन बहुत ईजी है. दे सेट फंक्शन 1 = 1 एंड देन वी हैव टू फाइंड 2 × फंक्शन 2 इज नथिंग बट फंक्शन 1 + फंक्शन 2. दिस वन इज नथिंग बट फंक्शन, ये यहां कैंसिल होगा तो फंक्शन 2 = फंक्शन 1, मतलब ये अगेन 1-1 किया है. सो इट्स अ साइक्लिसिटी क्वेश्चन. नाउ फंक्शन 1 = 1, फंक्शन 2 = 1, यू कैन क्रॉस चेक, फंक्शन 3 = 1 आएगा एंड दिस वन इज द आंसर 1. तो प्लीज जब भी फंक्शन का क्वेश्चन हो, सॉल्व फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, आपको दिखेगा क्या है, बट with the few special conditions. Functions में भी कुछ special functions होते हैं, like exponential, like the log function, like the surds and few other functions. उस पे आपको command करना होगा. We have total 8 type of special functions. बाकी functions 3 type के extra होते हैं. If you have total command on the 11, only 11 functions पे command कर लो आप, function is over for the cat per se. Functions over हो गया. Anyway, we have a next question. You have 90 second time. Please solve कीजिए. Answer of this question is 1. ठीक है, तो हमारे पास है question number 4 एंड यू हैव 90 second time. अगेन अ ट्रिक क्वेश्चन कैट. अक्षय आई से सम टाइम यू 11 टाइम्स हैं कौन. कैट इज ओनली 11 टाइप ऑफ फंक्शंस. जान के हटा रहा हूं ऑडियो में, जान के हटा रहा हूं. Thirty seconds more. 29. Calculation सही है क्या? Okay, great. 29. What is the common difference? Common difference कितना आ रहा है? प्रमित सर. ओके फाइन. तो वेन एवर यू हैव इट इज एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 8, दिस वन इज एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 6, तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए.
इफ यू फाइंड द कॉमन टर्म्स, अगर आपको कॉमन टर्म्स चाहिए, इट मीन्स दिस वन इज द नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस एलसीएम चाहिए. सो वी हैव 6 एंड 8, कॉमन डिफरेंस इज 24. सो हमारा कॉमन डिफरेंस 24 है. द फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 16, तो हमारा फर्स्ट टर्म 16 है. वॉट डू यू मीन बाई द कॉमन डिफरेंस 24 है? कॉमन डिफरेंस इज 24, इट मीन्स अप टू 700 तक मुझे 24 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं विथ 16 चाहिए. मुझको पता है शायद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा. इट्स जनरल टर्म इज नथिंग बट 16 प्लस 24 एन माइनस 1 इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 700. दिखेगा यही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 16 इज द ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1. तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो दिस वन इज नथिंग बट 700 माइनस 16 इज 684 डिवाइड बाई 24 इज नथिंग बट 28.5. सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 28, एन इज इक्वल टू नथिंग बट 29. 30 आ गया, आई थिंक 29. एन माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 28.5. अगर आप यहां से सॉल्व करते हो, मेरा कैलकुलेशन वीक है, मेरा कैलकुलेशन वीक तो आपको दिखेगा. आई थिंक 28.5, एन इज 28, तो एन माइनस वन इज 28. बॉस एक बात याद रखो, मुझको एक चीज का भी रिग्रेट है, आपको पता होना चाहिए. इन माई ओन कैट, जिस कैट की मैं बात कर रहा हूं, मैंने, ये बहुत पुराना स्टोरी है, 14 प्लस 12 फॉर मी इज द 16, और एक क्वेश्चन गलत हुआ था. एंड एक सजेशन सेट टू ऑल कैट एंड एसएससी टेकर, कैट का एक सीक्वेंस रहा है कि इन अ क्वांट वो एक क्वेश्चन गलत देता है, चाहे वो पाई को कुछ और लिख दे या कुछ और लिख दे. इफ क्वेश्चन इज द रॉन्ग, तो पैनिक मत होना, यू हैव 33 क्वेश्चंस टू सॉल्व. अगर गलत नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड. अगर गलत हुआ तो पैनिक नहीं होने का, अच्छा मेरे से बन नहीं रहा है, क्या है, नहीं है, तो इसको माइंड में प्रिपेयर करके आप जाना. फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 5, गिविंग यू 101 सेकेंड. This one is one of the function log. Great. वाओ, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें इतने सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड सही आ रहे हैं. फाइन, सो इट्स अ लॉग. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 36. लेट मी चेंज माय पेन. ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 36. You must remember few things of the log. Log का सबसे important formula है log b upon log a. This one is again an SSC question. ये बहुत बार दिखा है. That is not an SSC, but SSC level का question है. Second one is you must know a raised to power log b base a is nothing but b. Third thing you know, log a raised to power n is equal to nothing but log a n. That is n log a. So this one is the same case. इस 4 को मैं यहां पे लिख सकता हूं, इस 3 को मैं यहां पे लिख सकता हूं, बिकॉज लॉग में पावर बाहर निकलता है. यू हैव बेस 3 बेस 3, तो दिस बिकम्स 4 रेज टू पावर 4. बेस 4 बेस 4, दिस बिकम्स 3 रेज टू पावर 3. आई एम जस्ट रिपीटिंग,
5 raised to power log 5 2 is nothing but 2. If you have a base and base cancel, तो ये cancel out होता है, बचता 2 है. I'm again repeating, 5 2 into log 5 2. It means इस 2 को मैं यहां से रख power दूंगा, that is cancel out, this one is 4. So we need to find, this one is 2, 8 and 3 cube, nothing but a factor. Factor के लिए power 1 increase होती है and multiply होता है, get the answer. So answer of this question is 36. Question number 6. Now it's going to mature. And you have 75 seconds for this question. One of my favorite question. मैंने हर एक बार guess किया है कि cat में आएगा और cat नहीं but इसे IFT और JAT पूछ लिया है. एंड सेकेंड स्मो और ये होना चाहिए. ओके तो प्लीज एक चीज याद रखिए, टू ऑल पीपल जो इसको देख रहे हैं या देखेंगे, आपकी कोई औकात नहीं है कि आप फंक्शंस को चेंज कर दो. इफ ये दैट वन इज द फर्स्ट फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए. इफ विद इन फंक्शंस अगर आप प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, मींस कोई भी अगर साइन चेंज होता है, दिस वन इज टर्म्ड एज कांस्टेंट फंक्शन. आपकी औकात नहीं है, दैट इज द वर्ड औकात में बहुत बार यूज करता हूं. इफ ए इंटू बी बिकम्स ए प्लस बी, हु केयर्स. इफ फंक्शन इज ए प्लस बी बिकम्स एफ ए इंटू बी, इट्स अ कैट क्वेश्चन. ये मैंने बहुत बार गेस किया है कैट में, उस साल भी गेस हुआ था. इफ यू हैव द साइन चेंज विद इन अ फंक्शन, प्लीज को जस्टिफाई नहीं करना इसके साथ. दिस वन इज ए इंटू बी, दिस वन इज डिफरेंट थिंग्स. फंक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू फंक्शन ए इंटू फंक्शन बी इज अ डिफरेंट थिंग्स. इफ यू हैव फंक्शन ए प्लस बी एंड फंक्शन ए माइनस ए इंटू बी और ए माइनस बी, साइन चेंज, इट्स अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. ऑल जीरो फंक्शन दिखता है, जीरो इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ऐसा कुछ है नहीं. बट इन्होंने बोला है कि एफ 18 इज 6, तो इसका मतलब सबके सब 6 होंगे. आंसर इज 60, इसे याद रख लो. One of the most important functions. So, मैं अगर आपसे question पूछूं, मुझको आप ये बताओ, f a plus b is equal to f a by b and given f 3 is equal to 3, तो आप मुझको ये बताओ f 4 का value क्या होगा. Ready for this type of question? बहुत basic question है. If you are changing sign within function, you are not able to change the sign. ऐसा तभी होगा जब आपने फंक्शन को फिक्स कर दिया होगा, बॉस तुम कुछ भी करो मैं आऊंगा 3. इट मींस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 3. तो प्लीज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3. यू कैन नॉट चेंज द साइन. आपने साइन ही चेंज कर दिया फंक्शन के साथ, यू आर नॉट एबल टू डू अंटिल अनलेस. ये नहीं होगा, नहीं. Until unless आपको पता है कि मैं कुछ भी डालूं 3 निकलेगा, इसको याद रखिएगा. आप साइन चेंज नहीं कर सकते हो फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन कांस्टेंट है. पूरा मैथ्स को आपने बिगाड़ दिया, आपने a प्लस बी को a डिवाइड बाई बी बोल दिया, आपने मैथ्स को कंफ्यूज कर दिया. मैथ्स कंफ्यूज तभी हो सकता है व्हेन द फंक्शन इज अ कांस्टेंट. तुम कुछ भी बोलो मैं 3 निकाल के ला के दूंगा, इसको याद रखिएगा. One of my best question of this one, and please इससे misguide मत होना आप. FA upon FB is a different things. This is not the same. So we have 7, 8, 9, 10, 4 more questions. Question number 7. And you have 90 seconds for this question.
perfect SSC level question, but tweaked from the CAT question. That is the exponential or something. Siva Mehta will discuss. पहले सामने जो है इसको देखते हैं ना. यानी यह अभिषेक महाजन का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था. We had a close group, Mahajan, Sambit, Sood. पार्थो मुखर्जी परफेक्ट एसएससी लेवल क्वेश्चन एंड कैट एसएससी से इजी हो गया है एक्सेप्ट फ्यू. अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दो तो देयर इज नो नीड टू रीड बहुत टफ थिंग्स. इजी इजी चीज आते हैं. ओके फाइन. तो आपको ये पता होना चाहिए व्हेन एवर यू हैव डिनोमिनेटर में कुछ भी तो ट्राई टू डिवाइड. मैंने देखा था इन द कौन सा एलिट्स ग्रीट में हनी ने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया था. दिस वन इज द हनी सॉरी अभिषेक महाजन ने. दैट इज अगर कुछ होता है तो डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड के बाद होता है क्या. दिस वन इज द एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर. दिस वन इज नथिंग बट ए एम जी एम केस. ये ए एम जी एम है. सो हमें पता है 2 इंटू 7 इंटू 7 इज द मिनिमा माइनस 8 इज नथिंग बट 14 माइनस 8 इज नथिंग बट द 6 इज द least value of this expression. That tough नहीं हो रहा है. You must know. B जो कहा पंगा क्या है आपको जानते हो. I hope many of you know I am running the B leagues. तो मुझको पता है they want girls. मतलब बेसब्री से उनको लड़कियों का इंतजार है. They want non-engineers. I personally talked to 3 of the IIM directors for the B leagues. उन्होंने मुझको complain किया था. They are looking for non-engineers की क्लास में कुछ ढंग की बात हो. They are looking for the girls की girls perspective आए. अभी लास्ट में उन्होंने कहा कि Me Too discussion में totally boys 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 जा रहा था. तो वो ये चाहते हैं. Kunal Sagar, it is nothing else. If you have something, the maximum, I mean, one of the concept, I am not saying this is the only concept. दूसरा method हो सकता है, assume this one is the why. Then go, then subtract. Then make a perfect square. जो भी करना है आप करो, सॉल्व करो. बट इफ यू हैव दैट इज द कैट लेवल. इफ यू हैव समथिंग ट्राई टू डिवाइड. अगर आप डिवाइड कर पाते हो तो. एंड इफ यू हैव समथिंग पॉजिटिव. अगर कुछ पॉजिटिव है तो ए एम जी एम और काउचीज लगना स्टार्ट होता है. तो प्लीज पॉजिटिव. यहां पे सारे के सारे नंबर्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं फॉर दिस ए एम जी एम. एनीवे अगर कोई डाउट होता बाद में पूछना. क्वेश्चन नंबर 8 easiest question giving you 70 second. अब कोई उपाय नहीं है रोहन. जेंडर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा तो आप जा सकते हो. हाँ यू कैन डू विशाल. कुणाल सहगल थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस को चेंज किया है. परफेक्ट क्वेश्चन फॉर द कैट. Okay, so answer of this question is nothing but 243. और ये भी क्या है? You have positive real numbers product
एंड दिस वन, तो ये भी ए एम जी एम का है, मीन्स डेटा क्लोज होनी चाहिए। डेटा क्लोज मीन्स वॉट? ए एम एंड जी एम विद द सेम पावर एंड समथिंग, मैं उतना नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऑल मस्ट बी सेम फॉर दिस क्वेश्चन। ये मस्ट बी सेम क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी हैव द सेम पावर। अगर आपका पावर सेम होता है तो डेटा सेम होता है, एल्स वी शुड हैव अ पावर का रेशियो, अदरवाइज हमारे पास पावर का रेशियो होना चाहिए। ऑल शुड बी वन, सो वी हैव थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, दैट इज 81, थ्री इज नथिंग बट 243, एंड दिस वन इज द आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंड अगेन इजी वन। मैं इजी नहीं दे रहा हूं, कैट का ये लेवल है। अदरवाइज यू पीपल नो कि मेरा लेवल क्या होता है। लास्ट 5 seconds, एंड दिस वन इज द इजिएस्ट क्वेश्चन। वी हैव 30, 31, 32, आंसर इज 32C2, एंड सॉल्व करके आ जाएगा 496। आई होप इट इज क्लियर। तो प्लीज आप हमेशा याद रखो, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। द वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि क्वेश्चन बी इट टफ और इजी आपको सॉल्व करने हैं, एंड सॉल्व करने के माइंडसेट से जाइएगा आप। कैट इज नॉट गोइंग टू आस्क टफ क्वेश्चन, अगर टफ आएगा तो सबके लिए होगा। दे डू नॉट वॉन्ट इंजीनियर्स बाई हार्ट, वो नहीं चाहते हैं, जबकि इंजीनियर्स जाएंगे। मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा। आई हैव टॉक टू थ्री डायरेक्टर विद इन अ वीक, मैंने तीन डायरेक्टर से बात किया, बिकॉज मैंने कॉल नहीं किया, उधर से कॉल आया था रिगार्डिंग द बी लीग्स कि आप ये पोस्ट कर रहे हो, ये हो, विल टेक द सम एक्शन अगेंस्ट यू। कोई बात नहीं सर, देखते हैं। देन आफ्टर दैट वो वापस आ गए एजुकेशन पे। सो द लास्ट क्वेश्चन, यू हैव नथिंग बट 100 सेकेंड, ठीक है, 100 सेकेंड का टाइम स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस वन इज योर क्वेश्चन। Okay, you have your time. If you want to change, you can change. And time up. Answer of this question is nothing but 15. And you must know, agar wo number system again wapas aaya hai last year. Last year CAT mein number system and applications wapas the. If you have anything, to ye yaad rakhna ki chahe to easy question puchhenge, or binomial, or Wilson, you must know all three, all the Chinese remainder theorem nahi aayega.
जहां तक मुझको ये लगता है, इफ दे आस्क चाइनीज न्यूमेरिकल थ्योरम दे आस्क द एलसीएम, कॉमन गैप, कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ, एलसीएम, इतना ही बेसिक पूछ के रह देंगे। तो बेसिक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो वी हैव नथिंग बट 7 प्लस 1 रेज टू पावर 100 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर, इट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर द लास्ट डिजिट एंड द 100 इंटू 7, दिस वन इज नथिंग बट 800 डिवाइड बाई 49, यही होना चाहिए। अगर आप 800 को 49 से डिवाइड करो एंड गेट द आंसर। थैंक्स राज सर फ्रॉम द आई एम अहमदाबाद, ग्रेट, आपका कैसा चल रहा है? एंड इफ यू सॉल्व दिस वन 49 इंटू 16 बहुत इजिली निकलेगा, दिस वन इज द 14 और 15, क्या आंसर होगा आप ये बताइए। एंड आंसर यू नो इज नथिंग बट 16 और 15, प्लीज एनी डाउट, आंसर होना चाहिए 15। तो यू हैव टू वर्क ऑन दीज लाइन्स, सॉरी, तो इसमें जो है दैट इज द बाइनोमियल, आप बाइनोमियल सॉल्व कर दो, गेट द आंसर एंड योर आंसर इज दिस वन। सो द लास्ट टू डिजिट दैट इज, सॉरी पेन हो गया, 100 एंड 100 सी 19 एंड दिस वन 7 डिवाइड बाई 49 एंड गेट योर आंसर। तो बस इतना ही है। तो यू हैव 10 क्वेश्चंस, आई टुक नथिंग बट 35 मिनट का टाइम। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं बात कम करूंगा, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। एंड प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप टाइप में इसको बता देना क्या है नहीं है। एंड एक चीज तो दिमाग में रख लो आप, कैट इज नॉट गोइंग टू बी टफ फॉर द मैथ्स पर से, कभी नहीं हुआ है कि अच्छा जोका है तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जोका कभी भी कुछ नहीं करता है, इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। कैट का माइंड सेट हो चुका है वी वॉन्ट गर्ल्स और वी वॉन्ट प्रोफाइल, दो चीज चाहिए उन्हें, गर्ल्स नॉन इंजीनियर्स और नहीं तो प्रोफाइल जिसको वो प्लेस कर सके। बी लीक्स को हिट होने का एक ही रीजन है कि प्लेसमेंट कम हो रहा है, बिकॉज मार्केट में उन्हें प्लेस करवाना है, इंजीनियर्स प्लेस हो जाते हैं बट मार्केट का डिमांड पूरा नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन, विथ ऑल बेस्ट विशेस, मैं प्लान करता हूं और भी विल हैव टू टारगेट 500 क्वेश्चंस वीडियो एंड थोड़ा सा बकवास कम क्वेश्चन ज्यादा, ओके। तो विथ ऑल बेस्ट विशेस, हैप्पी दुर्गा पूजा एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।